वेलकम बैक टू मिस्टर कैट। सो आज एक नई प्रैक्टिस ड्राइंग के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ये ड्राइंग है जो हम प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे, और इसकी जितनी भी डायमेंशन हैं और जितनी भी इसकी कमांड्स हैं, वो जितनी जो जो जहाँ जहाँ यूज़ होंगी उससे रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड वर्क्स ओपन कर लेना है आपने, ठीक है। टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेना, बल्कि फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और फर्स्ट हम ये इतना पार्ट बनाएंगे और इसे एक्सट्रूड करेंगे। तो इसके जो लिए जो है, हम पहले टोटल जो है वो इसकी 20 और 1800 200 की लेंथ होगी, और उसके बाद फर्स्ट हम बनाएंगे 120 की लेंथ। स्केच में जो लाइन दिस दिस इस तरीके से आपने पहले ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद डिमेंशनिंग कर लेनी है इसकी। ये होगी 120 की, 120, एंड उसके बाद हमारे पास ये हो गया 80। ये हमारे पास आ गई 80, और ये हमारे पास है 10। ये हमारे पास आ गई 10, और ये जो टोटल है हमारे पास ये आ गई 20, ठीक है। इसे ओके किया, ठीक है, और इसे हम करेंगे वो एक्सट्रूड, ठीक है। और इसे कितना एक्सट्रूड करना है, हमारे पास कितना है टोटल 100, इसे हम करेंगे 100 तक एक्सट्रूड इस तरीके से, ठीक है। बॉटम जो है हमारे पास वो जनरेट हो गया है, ठीक है। अब इसे जो है हमने वो चैम्फर कर देना है 20-20 का, चैम्फर। ये एज सेलेक्ट करें, ये एज सेलेक्ट करें, और यहाँ पे हम इसे डिस्टेंस इंक्रीज करके कर देते हैं 20, यहाँ से ओके करें, ठीक है। चैम्फरिंग हो गई। उसके बाद हमने ये एक साइड पे जो है वो जनरेट कर लेना है, दूसरी साइड पे हमने प्लेन ऐड करके दूसरी साइड पे हमने इसे मिरर कर लेना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो 20 पे हमने चैम्फर किया हुआ है, तो ये 25 की लेंथ ले लें। इसके स्केच नॉर्मल लाइन लें, इस लाइन से हमने कितना जाना है 25, स्मार्ट डायमेंशन, और यहाँ से हम इसे डिस्टेंस ले लेते हैं 25, ओके। उसके बाद सेम 40 के डिस्टेंस पे से ऑफसेट कर दें, और जो इसका जो हमारे पास डाया है वो है 10, और ऑफसेट लें, ये सेलेक्ट करें, और इसे 40 का डिस्टेंस दें, और इसे इस साइड पे हम, ठीक है, ऑफसेट कर देंगे, और हम होल ड्रा कर लेंगे 10 का जो हमारे पास वो डाया है, हम इसे कर देंगे 10, और इसको हम कंट्रोल दिस, इसे हम कर देंगे इक्वल, ठीक है। ये दोनों जो है वो 10-10 डाया के सर्कल ड्रा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने अब ये स्लॉट ड्रा कर लेनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, एक सेंटर में लाइन लेनी है और उसका 30 का ऑफसेट ले लेना है। सेंटर से आप एक लाइन लें यहाँ तक, और एक लाइन ले लेनी है हमने जो कि हमारे पास है 50 की, यहाँ से लें आप 50, स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन को आप कर लें 50, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद हमने इसे ऑफसेट कर लेना है 30 के डिस्टेंस पे, ऑफसेट दिस लाइन ऑन 30, इस तरीके से। और हमने अब स्लॉट ड्रा कर लेनी है 50 की, स्लॉट में गए, स्ट्रेट स्लॉट, 50 की स्लॉट ड्रा कर लेनी है। वेट अ मिनट, अगेन सेलेक्ट करें, लेंथ की 50 इस तरीके से, स्मार्ट डायमेंशन इस लेंथ दें 50, ठीक है। और जो इसका जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 6, इसे हम देंगे 6
6 ओके कर दें, ठीक है। और हम इस लाइन को जो है वो अगर एक्सटेंड करके 2D में ही मिरर कर दें तो वो भी चेक करके देख लेते हैं इस लाइन को लिया नहीं, क्योंकि ये लाइन जो है इसका डिस्टेंस जो है वो नीचे है। तो हम इसे क्या करेंगे, मिरर कमांड लेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, स्लॉट को सेलेक्ट करेंगे, मिरर अबाउट दिस, ये देखें इस तरीके से 2D में भी हम इसे मिरर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो डिलीट कर दें, ये भी डिलीट करते हैं और ये भी डिलीट करते हैं। उसके बाद फीचर, उसके बाद एक और लाइन लें जो इसके सेंटर से होगी यहाँ तक, और इसे भी हम मिरर कर देंगे, मिरर दिस दिस अबाउट दिस, ओके किया, और ये लाइन जो है वो भी हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसे एक्सट्रूड कट करेंगे, एक्सट्रूड कट में गए, ये स्लॉट सेलेक्ट कर लें, ये स्लॉट सेलेक्ट कर लें, ये सर्कल सेलेक्ट कर लें इस तरीके से, और इसे ओके कर लें। स्लॉट जो है वो कट नहीं हुई, मैं ये लाइन जो है वो डिलीट, पहले हम स्लॉट्स को अकेली कट करके देखते हैं। फीचर्स, शूट कट, दिस स्लॉट, डायरेक्शन अपवर्ड या थ्रू ऑल कर दें बोथ, ओके कर दें, स्लॉट्स हो गई हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब हम दोनों को कटे सेलेक्ट करेंगे, शूट कट, दिस दिस और ये चारों सर्कल, ठीक है, और इसे थ्रू ऑल बोथ करेंगे, ओके कर दें। इस तरीके से जो है हम इसकी एक्सट्रूड कट भी कर लेंगे। अब सिर्फ हमारे पास ये रह गया इसका जो बैक पार्ट है, उसके लिए हमने क्या करना है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 60 का, हमने इसके नॉर्मल हो जाना है, ठीक है, और फीचर में जाएं, स्केच करें, लाइन लेनी इसके सेंटर से ऊपर 60 का डिस्टेंस, 60 वेट अ मिनट, ये फ्रंट पे ड्रा हो रहा है, इसको हमें बैक साइड पे ड्रा करना है, तो उसकी बैक साइड पे जाएंगे। उसके लिए हमें इसकी बैक साइड पे जो है वो स्केचिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल हो जाए, लाइन लें इसके सेंटर पे, और इसका जो डिस्टेंस है वो आप इसकी जो डायमेंशन है 60 कर दें, ओके ओके कर दें। उसके बाद अब ये सर्कल है, एक सर्कल 20 का है और एक 25 का है, ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन, सॉरी सर्कल 25 एंड 20, ये हो जाएगा हमारे पास जो है वो रेडियस में है, या डिस्टेंस, रेडियस में ए फर्स्ट वाला जो है वो डाया में है 20, और जो हमारे पास सेकंड वाला है वो रेडियस में है, तो ये हमारे पास 50, ओके कर दें, ठीक है। यहाँ से अब हमने लाइन लेनी है जो अपन के टेंजेंट होगी, ये इसके टेंजेंट, और एक लाइन और लें इस पॉइंट से, जो इसके टेंजेंट, ओके, ये लाइन डिलीट कर दें, और हमने ट्री में एंटिटीज लेनी है, ये लाइन डिलीट कर दें, ठीक है। इस तरीके से हमने अब इसे एक्सट्रूड कर लेना है, एक्सट्रूड, ओह वेट अ मिनट, ये जो है वो रॉन्ग साइड पे जो है वो जनरेट हो गया, क्योंकि हमने जो था वो, ठीक है, तो हम ये जो स्केच है इसे डिलीट करते हैं, डिलीट करते हैं, इस साइड साइड पे पहले प्लेन ड्रॉ करते हैं, ज्योमेट्री प्लेन दिस साइड, एंड इसका जो डिस्टेंस है वो हम कर देते हैं 0, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है वो हम ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, ये प्लेन स्केच नॉर्मल लाइन, इसके ऊपर लाइन लें और दो सर्कल ड्रॉ करें 25 20, अब इसकी डिमेंशनिंग कर लें
60, 20 एंड 50। इसे ओके किया, लाइन लें इस पॉइंट से जो यहाँ टेंजेंट हो, फिर लाइन लें इस पॉइंट से जो यहाँ टेंजेंट हो, इसे डिलीट कर दें, ट्रिम इसे ट्रिम कर दें। ओके, अब बिल्कुल परफेक्ट है, इसे एक्सट्रूड करें। वेट अ मिनट, एक्सट्रूड दिस, इसे क्लोज भी करना है। अभी हमने क्लोज नहीं किया, उसके लिए हमने लाइन लेनी है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अब एक्सट्रूड होगा। ठीक है, और हमें कितना एक्सट्रूड करना है, इसे 20 20 करना है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है 20। ठीक है, इसे ओके करें, और इस तरीके से जो है हमारा ये भी जो है वो प्लेन हाइड कर दें। इस तरीके से हमारा जो पार्ट है वो डिज़ाइन हो जाएगा। इसे हम आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं, तो ये पॉइंट जो हमारा ये जो है पार्ट डिज़ाइन हो गया। ठीक है, इसे अब कलरिंग कर लेते हैं, इसमें कलर में जाएं। ठीक है, उसके बाद इसे हम कलर कर लेते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसे कलरिंग कर लेते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये पार्ट जो था वो हमने डिज़ाइन कर लिया। होप सो आपको स्लॉट की, एक सूर कट की और जितनी भी कमांड्स के अंदर यूज़ हुई है वो सब की समझ आ गई हो। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं न्यू न्यू वीडियो जो है वो आप तक पहुँचाता रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रैक्टिस ड्राॅइंग के साथ। टेक केयर।